हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुलदस्ता में आपका स्वागत है। आज हम हमारे मिथिला का बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन रान्ह का रोटी और आलू मेथी की सरसों की ग्रेवी वाली सब्जी बनाने वाले हैं। ये एक बहुत ही स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन है। रान्ह का मतलब पकाना होता है हमारी भाषा मैथिली में। चूंकि चावल के आटे को हम यहाँ गर्म पानी में पकाकर रोटी बनाएंगे, इसलिए इसे रान्ह का रोटी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसे बनाते किस तरह से हैं। ये हमारा एक गड्डी मेथी है, इसके पत्ते हमने तोड़ लिए हैं और जो भी मुलायम इसका डंठल है वो भी हमें रखना है। अब इसे अच्छी तरह से धो करके हमें साफ कर लेना है। मेथी को हम धोकर साफ कर लिए हैं, अब इसे हमें काट लेना है। तो इसी तरह से काटते हुए हमें सभी साग को काट लेना है और थोड़ा इसे बारीक काटना है। ये देखिए, मेथी हमारा सारा कट चुका है। आलू हम तीन लिए हैं, इसे उबालकर हमने छील लिया है। अब हम इसको छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। मसाले में हम लिए हैं पीली सरसों 2 बड़ा चम्मच, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च। लाल मिर्च आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से रखें। 20 से 25 कली छिली हुई लहसुन। लहसुन कंपलसरी नहीं है, अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो लहसुन को स्किप कर दें। नमक, हल्दी, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और फोरन के लिए साबुत जीरा, लाल मिर्च, तेज पत्ता और हींग। मिर्च, लहसुन और सरसों इन तीनों को मिला करके पीसना है हमें। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और पीसेंगे। अगर बीच में ज़रूरत हमें महसूस होगी तो थोड़ा और पानी हम इसमें मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। ये देखिए, मसाला हमारा पीस चुका है। तो अब हमें यहाँ सब्जी बनाने की तैयारी करनी है। अब हमें यहाँ गैस ऑन कर लेना है और थोड़ा सा तेल अभी हम गर्म करेंगे, क्योंकि पहले हमें कटे हुए आलू को भून लेना है। मैथिल खाने का अपना एक ऑथेंटिक टेस्ट होता है, जो आपको सरसों के तेल में ही बनाने से मिल सकता है। सब्जी का तेल अब गर्म हो चुका है, तो अब हम आलू को भून लेंगे। आलू हमारा उबला हुआ है, इसलिए इसे भूनने में करीब 5 से 6 मिनट का समय लगेगा। तो इसे तेज आंच पर ही बीच बीच में चलाते हुए हमें हल्का गुलाबी होने तक भूनना है। करीब 6 मिनट के आसपास हो चुका है, तो देखिए आलू भून करके तैयार है। अब हमें इसे निकाल लेना है। अब हम इसी बचे हुए तेल में और तेल मिला करके गरम करेंगे और इसी तेल में हमें सब्जी तैयार करना है। तेज आंच पर हम तेल को गरम करेंगे और तेल अब हमारा गरम हो चुका है, तो यहाँ पर हमें फोरन पका लेना है। तेज पत्ता, लाल मिर्च, साबुत जीरा,
इसे थोड़ा सा लाल होने तक हम पकाएंगे और फिर इसमें हम हींग ऐड करेंगे। हींग को अच्छी तरह से हमें पकाना है, क्योंकि हींग अगर थोड़ा सा भी कच्चा रह जाएगा तो सब्जी में इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगता है, तो इसलिए इसे पकाना है। फौरन अब हमारा लाल हो चुका है पक करके, तो यहाँ अब हमें सरसों मिर्च और लहसुन का जो हमने पेस्ट तैयार किया है उसे पका लेना है। आँच हम यहाँ कम कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल फिर स्प्रेड होने लगेगा जैसे ही हमने मसाला इसमें डाला। कम आँच पर ही चलाते हुए करीब करीब 5 से 6 मिनट तक इसे हमें पकाना है। 3 मिनट करीब हमारा हो चुका है, तो अब यहाँ पे गैस हम तेज कर लिए हैं और नमक हम मिक्स कर लेंगे। नमक यहाँ 2 टीस्पून हम लिए हैं और हल्दी मिक्स कर लेंगे। नमक आप स्वाद के अनुसार रखें और जितनी क्वांटिटी में आप सब्जी बना रहे हों उसके हिसाब से नमक रखें। इसे भी हमें भूनना है, भूनकर इसे लाल करना है मसाले को। नमक मसाले में मिक्स कर लेने से मसाला कढ़ाई में चिपकता नहीं है और आसानी से भुनता है। तो इसे अभी हमें चलाते हुए इसी तरह से कम 3 से 4 मिनट और हमें भूनना है ताकि ये अच्छी तरह से लाल हो जाए। ये 4 मिनट हमारा हो चुका है और मसाला अब अच्छी तरह से भून कर लाल हो गया है। तो अब हम यहाँ इसमें जो हमने मेथी का साग काट कर रखा है उसे हमें यहाँ इसमें मिक्स कर लेना है। मसालों के साथ उसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करके अब पकाना है। इसे तेज आंच पर ही हम चलाते हुए करीब करीब 3 से 4 मिनट इसे भूनेंगे। 4 मिनट के आसपास हम तेज आंच पर ही भुने हैं इसे, और आप देख रहे हैं कि मसाला भी भुना है और साग भी काफी कम हो चुका है भुन करके, लेकिन अभी तक ये पका नहीं है। तो अब हम यहाँ आंच भी कम कर लिए हैं और इसे अभी हमें कम आंच पर ढककर पकाना है थोड़ी देर के लिए, कम से कम 2 मिनट। 2-3 मिनट हमने ढक के पकाया इसे, और अब हम यहाँ इसे थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि ये पका या नहीं। तो इसके लिए एक इसका कोई डंठल हम प्रेस करके देख लेंगे। इस तरह से एक डंठल को आप प्रेस करके देख लें कि पूरी तरह से वो पक जाना चाहिए साग का। तो अभी ये थोड़ा सा कच्चा है, इसे एक बार और हम ढक करके पकाएंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए कम आंच पर ही। ये लगभग 3 मिनट हम पकाए हैं ढक के। तो अब ये हमारा साग पक चुका है और मसाला भी काफी अच्छी तरह से भून चुका है, लाल हो चुका है। तो इसी तरह मसाले को लाल होने तक भूनना है। अब हमें यहाँ हम जो आलू बॉयल आलू जो हम भून कर रखे हैं उसे इसमें मिक्स कर लेना है हमें, और साथ ही अमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच जो हम लिए हैं वो भी हमें यहाँ मिक्स कर लेना है। हल्का सा जो मेथी की जो कड़वाहट रहती है वो, और हल्की सी सरसों में भी एक कड़वाहट सी रहती है, दोनों को कम करने के लिए यहाँ हम अमचूर पाउडर लेते हैं। सब्जी को हमें खट्टा नहीं बनाना है, सिर्फ हल्का सा उसका कड़वाहट कम करने के लिए मेथी का हम यहाँ अमचूर पाउडर लिए हैं। अमचूर पाउडर की जगह आप चाहें तो थोड़ी सी इमली ले सकते हैं।
इसी तरह से अभी हमारा साग भी पक चुका है और आलू भी उबली हुई है, तो ज़्यादा पकाना नहीं है। अब हम यहाँ इसे 1 ग्लास पानी हम ऐड कर लिए हैं ग्रेवी के लिए, और अच्छी तरह से मिक्स करके इसे ढक करके हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे, ताकि अच्छी तरह से पानी हमारा खौल जाए। चार मिनट के आसपास हम इसे पकाए हैं और अब देख रहे हैं कि इसका जो ग्रेवी है वो भी इसी तरह से खोल चुका है, और इतना इसमें हमें ग्रेवी रखना है, नहीं तो जब इसे हम रेस्ट होने के लिए छोड़ेंगे तो ये पूरी तरह से पानी आलू सारा सक कर लेगा। हम यहाँ पर गैस अब हम बंद कर लेंगे। अब हमें रान की रोटी बनाने की तैयारी करनी है, तो चावल का आटा हम आधा किलो लिए हैं, इसे अब हमें गर्म पानी में अच्छी तरह से पकाना है। गैस हमें ऑन कर लेना है और यहाँ पर हमें 1 लीटर पानी को गर्म करना है। चूंकि आटा हमारा आधा किलो है तो इसलिए यहाँ पे हमें 1 लीटर पानी को अच्छी तरह से खौलाना है। यहाँ पर पानी में हमें 1 चम्मच घी ऐड कर लेना है, और अब हम इसे ढक करके अच्छी तरह से खौलने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह से खौलने लगेगा तब हम इसके साथ आटा को मिक्स करेंगे। पानी हमारा अच्छी तरह से खौल चुका है, तो अब हमें यहाँ पर चावल का आटा इस गर्म पानी के साथ मिक्स करके हमें पकाना है। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी आटा लें और उसे मिक्स करें इस गर्म पानी में। अब हम यहाँ गैस ऑफ कर लेंगे और इसे अब अच्छी तरह से मिलाना है हमें। ये अच्छी तरह से अब मिक्स हो चुका है और देखेंगे कि ये बहुत सारा पानी सोख लेता है, तो अब इसे हमें यहाँ पर ढक करके करीब 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद 5 मिनट बाद हम इसको फिर से निकालेंगे। 5 मिनट हमारा हो चुका है, तो ये देखिए धीरे धीरे और भी ड्राई हो गया है, सारा पानी सोख लेता है और काफ़ी रूखा हो जाता है। तो अब हम इसे निकाल लिए हैं और यहाँ पर इसे हमें गूंद लेना है अच्छी तरह से। गूंद करके हमें रोटी के लिए आटा तैयार कर लेना है। तो अभी आप यहाँ पर इसमें हमें जो हम नॉर्मल हमारा पानी है वो इसमें थोड़ा सा मिक्स करके और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से गूंदेंगे। थोड़ा सा पानी हम यहाँ पर इसमें छिड़क देंगे और इसको इसी तरह से हल्का हल्का सा पानी मिक्स करते हुए हमें पूरा सॉफ्ट आटा तैयार कर लेना है रोटी के लिए गूंद करके। देखते हैं, इसको गूंदते समय हमें बीच बीच में पानी की जरूरत पड़ती है क्योंकि चावल का आटा काफी सारा पानी सोख लेता है। आपको इस तरह से इसे आटा अच्छी तरह से गूंदने में कम से कम 7 से 8 मिनट का टाइम लगेगा। अब ये हमारा आटा गूंद चुका है, तो यहाँ पर अब हमें रोटी बनाने के लिए तवा गर्म होने के रख देना है। तेज आंच पर यहाँ हम तवा गर्म होने के लिए रख देंगे, और जब तक हमारा तवा गर्म हो रहा है हम रोटी बेल लेंगे। इस तरह से हमें लोई बनाना है, थोड़ा बड़ा सा लोई लेना है चावल के आटे का, और उसको इस तरह से रिफाइंड या घी आप जो भी यहाँ लगाना चाहें
उसमें लगा करके और फिर इसे बेलना है। यहाँ पर इसमें हमें कोई आटा नहीं लगाना है, घी या रिफाइंड लगा कर ही हमें इस रोटी को बेलना है। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो थोड़ा मोटा भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन अगर जितना ये पतला बिला हुआ रहेगा उतना ही अच्छा सॉफ्ट होता है। पर इसको काफ़ी सावधानी से बेलना होता है क्योंकि आटा उबला हुआ है तो काफ़ी सॉफ्ट रहता है ये। थोड़ा सा भी अगर सावधानी से नहीं करेंगे तो टूट जाता है। इस तरह से अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ा बड़ा सा ही आप लोई लें, थोड़ा मोटा ही बनाएं, पकने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है अपने आप। तवा हमारा गर्म हो चुका है तो इसे अब हमें रख देना है पकने के लिए, और तेज आंच पर ही इसे एक तरफ बहुत ही अच्छी तरह से पकने देना है। उसके बाद पलटना है, अगर बीच में पलटेंगे तो ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर कम से कम अभी 3 से 4 मिनट तक इसे पकने देना है। चार मिनट करीब हमारा हो चुका है तो अब हम इसे पलट लेंगे। आप देख रहे हैं एक साइड जिस तरह से हल्का सा लाल हो गया है, इसके बाद पलटना है क्योंकि ये उबले हुए आटे का है तो काफ़ी सॉफ्ट रहता है। थोड़ा सा भी अगर कच्चा रहेगा तो पलटते समय ये टूट जाएगा, तो ये सावधानी यहाँ रखना है। और तेज आंच पर ही दोनों तरफ हमें पकाना है, लेकिन यहाँ पे हम इसमें हल्का सा घी लगा देंगे। घी सिर्फ थोड़ा सा इसमें लगाना है, तलना नहीं है हमें, बस इसी तरह से हल्का सा सिर्फ ऊपर में इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा इसके ऊपर आप घी लगा दें और इसे अब फिर से पलट देना है। और अब हम दूसरी तरफ, इस तरफ भी फिर से ऊपर में हल्का सा घी लगाना है इतना। अब देख सकते हैं तवे पे से बिल्कुल हम घी नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ रोटी के ऊपर हल्का सा घी लगाए हैं, और जिससे ये अच्छी तरह से फूल जाता है। रोटी बिल्कुल ही अच्छी तरह से फूल चुका है ये, और दोनों तरफ से पलट करके हमें पकाना है। बहुत ही मुलायम सा और बहुत ही स्वादिष्ट, और खासकर मेथी के आलू का जो सरसों की ग्रेवी वाली सब्जी है उसके साथ इसका बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा, आप बनाएं खाएं और हमें भी कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। रोटी हमारा तैयार हो चुका है, ये देखिए रोटी और सब्जी दोनों ही हमारा बन के तैयार है। तो इसी तरह से इसे आप सलाद और हरी चटनी के साथ है परोसें। ये हरी चटनी हमने धात्री का बनाया है। धात्री का चटनी कैसे बनाते हैं ये नहीं आपको मालूम हो तो इसका वीडियो है हमारे चैनल पे, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में मिथिला के किसी नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।